भगवान गणेश संपन्नता, ज्ञान और सांसारिक सफलता के भगवान माने जाते हैं। वे भगवान शिव और देवी पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं। एक बार देवी पार्वती अपने सखियों के संग स्नान कर रही थी तो उस भवन में भगवान शिव बिना किसी सूचना के आ गए। इस बात पर देवी पार्वती भगवान शिव पर अत्यधिक क्रोधित हुई। देवी पार्वती ने स्वयं का पुत्र बनाने का निश्चय किया जो उनके भवन के मुख्य द्वार पर द्वारपाल का काम कर सके। उन्होंने अपने शरीर से कुछ धूल को झाड़ा और एक सुंदर बालक को जीवन दिया और उससे कहा कि उनकी आज्ञा के बिना भवन में कोई प्रवेश न कर सके। एक बार भगवान शिव भवन में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे थे तब उस बालक ने उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक लिया। भगवान शिव का क्रोध उनके वश से बाहर हो गया और वह इस क्रोध में बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस कांड की ध्वनि पार्वती के कानों तक पहुंची। वह द्वार पर आई और अपनी आंखों से बालक की अवस्था को देखा। वह अपने स्वामी पर अत्यधिक क्रोधित हुई। जो भी हुआ उसे देखकर भगवान शिव पार्वती को मनाने लगे और निश्चय किया कि उस बालक को पुनर्जीवित करेंगे। तभी भोलेनाथ ने कहा, तुम उत्तर की दिशा की ओर जाओ और जो माँ और अपने बेटे की ओर पीट करके लेटी हो उस बच्चे का सिर लेके आओ। आखिरी समय में एक हथिनी मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। उस बच्चे का सिर काट कर ले आया। भगवान भोलेनाथ ने वह सिर गणेश के शरीर से जोड़ दिया और उसमें प्राण डाल दिए और आशीष दिया कि वह गणेश के नाम से जाने जाएंगे और वो हर संकट को हरने वाले के रूप में जाने जाएंगे और किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी आराधना की जाएगी।